हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। फ्रेंड्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस के हम कैरेक्टर डिस्कस कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं समरी। यहाँ मैं आपको पूरा प्ले समराइज करूँगा, तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनते चलिएगा एक एक इंसिडेंट, एक एक कैरेक्टर को। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो प्ले शुरू होता है, सबसे पहले सीन में हम देखते हैं कुछ कैरेक्टर्स हमें आपस में बात दिखा करते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, पहले सीन में एंटोनियो और जो सेलेरिनो है वे हमें दिखाई देते हैं। एंटोनियो दुखी है, लेकिन दुखी होने के साथ साथ वो अपनी जो दुख का कारण नहीं जानता। एक्चुअल में जो एक मेलनकली कैरेक्टर है वो यहाँ एंटोनियो पूरे प्ले में दिखाया गया है। दुखी रहता है, बिना किसी बात के दुखी रहता है। अब जो उसका फ्रेंड है सेलेरिनो, वो कहता है कि शायद उसके दुख का जो कारण है वो कोई प्रेम संबंध हो सकता है, लेकिन एंटोनियो इस बात को भी नकार देता है। थोड़े समय बाद बेसेनियो कहता है कि वो पोर्शिया से प्रेम करता है, वो अपना यह प्रेम जो है वो रिवील करता है। अब एंटोनियो बेसेनियो से कहता है, चूंकि बेसेनियो को जो पोर्शिया को विन करने के लिए बेलमंड जाना था, उसके लिए उसको कुछ पैसे की जरूरत थी, तो वो एंटोनियो से पैसे की डिमांड करता है। लेकिन एंटोनियो कहता है कि मैंने जो सारा पैसा है वो जो शिप है, शिप के व्यापार में लगा दिया है। एक्चुअल में वो जो काम करता था एंटोनियो, वो था माल एक जगह से शिप में लोड किया और दूसरी जगह वो ले जाना, यानी व्यापारी था, व्यापार करने का काम वो करता था। अब चूंकि वो पैसा देने से मना कर देता है, लेकिन कहता है कि चलो मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी जमानत पर, अपनी गारंटी पे किसी और व्यापारी से तुम्हें पैसा दिलवा देता हूं, तो इसलिए तुम्हें जो है कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। कहानी आगे बढ़ती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि पोर्शिया और पोर्शिया की जो मेड है यानी नरीसा, दोनों आपस में बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। पोर्शिया कहती है कि मैं धनी हूं, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूं, और सुख का कारण है कि मैं अपनी मर्जी से अपना हस्बैंड भी नहीं चुन सकती, यानी मुझे अपना पति चुनने की भी आजादी नहीं है। क्यों नहीं है? एक्चुअली पोर्शिया के फादर एक जो तरीका था, एक स्वयंवर के लिए एक तरीका था, उसको वो अप्लाई करके चले गए थे और उसी से पोर्शिया बंधी हुई थी। तब नरिशा कहती है कि उसके जो फादर थे वो एक विद्वान व्यक्ति थे, गुणवान व्यक्ति थे, इसलिए उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको जो भी वर मिलेगा वो क्या होगा, वो सर्वोत्तम होगा। उधर बेसेनियो शाइलॉक के पास जाता है और एंटोनियो को लेके जाता है और कहता है कि मुझे 3,000 ड्यूकेट्स चाहिए अपनी जमानत पर, मुझे लेने हैं। और किसको दिलाने हैं? एंटोनियो को। और कितने मंथ्स के लिए चाहिए? 3 मंथ्स के लिए। अब चूंकि शाइलॉक जो है वो एंटोनियो से घृणा करता था। एक्चुअल में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ज्यूज और क्रिश्चियन, ये दो धर्मों के बीच यहाँ इस प्ले में भेदभाव दिखाया गया है, तो इतनी घृणा दोनों में थी। इवन जो ये क्रिश्चियंस थे, क्रिश्चियंस से मतलब जो एंटोनियो, बसेनियो और इनके फ्रेंड्स, जब भी शाइलॉक उस रास्ते से कहीं से गुजरता था तो उसको इवन डॉग जैसे वर्ड्स कहते थे, उसको भद्दी गालियां देते थे, इवन उस पर थूक देते थे। तो इस कारण शाइलॉक के बदले एंटोनियो और उसके फ्रेंड्स के प्रति घृणा थी। अब चूंकि शाइलॉक को एक मौका मिल गया, अब एंटोनियो आ गया शाइलॉक के पास पैसा उधार लेने के लिए, तो शाइलॉक को लगा कि एक मौका हो सकता है जिससे मैं एंटोनियो से जो नफरत है मेरी, जो मेरी भड़ास है, उसको मैं निकाल दूं। तो वो कहता है कि हाँ, आप स्वीकार, मुझे स्वीकार है, आप बिल्कुल जितना धन चाहे उतना ले जा सकते हैं, लेकिन बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, तो इसलिए हमें उन रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए। तो चलिए क्यों ना एक बॉन्ड, एक एग्रीमेंट साइन करा ले। वकील के पास जाते हैं, वहां एक बॉन्ड साइन करा लिया जाता है कि 3,000 ड्यूकेट्स हैं ये उधार लिए जा रहे हैं, 3 महीने के लिए उधार लिए जा रहे हैं, और अगर ये पैसा उस ड्यूरेशन में पे ना हुआ तो शाइलॉक को राइट होगा कि वो एंटोनियो के सीने से 1 पौंड मांस काट ले। ये अधिकार शाइलॉक को दे दिया गया और एक बॉन्ड है फ्रेंड्स, वो साइन करा लिया गया। कहानी आगे बढ़ती है। आगे हमें दिखाई क्या देता है कि पोर्सिया का स्वयंवर हो रहा है, उसमें सबसे पहला जो करेक्टर है वो आता है प्रिंस ऑफ मोरक्को, और आने के बाद कहता है पोर्सिया से कि पोर्सिया तुम मेरे रंग पर मत जाना,
और तुम मुझे अपना पति स्वीकार कर सकती हो। लेकिन पोर्सिया कहती है कि मैं तो अपने फादर का जो एग्रीमेंट है, फादर की जो कंडीशंस थी, उसमें मैं बंधी हुई हूं, और मुझे अपनी मर्जी से अपना पति स्वीकार करने की जो आजादी है वो नहीं है। फ्रेंड्स, कहानी आगे बढ़ती है। अब हमें जो कैरेक्टर दिखाई देता है, लांसलॉट गोबो दिखाई देता है, और वो किसका सर्वेंट है, वो साइलॉक के यहाँ नौकरी करता है। लेकिन साइलॉक के यहाँ से वो दुखी है, साइलॉक के यहाँ उसको अच्छा व्यवहार नहीं होता उसके प्रति। तो वो कहता है कि मैं बेसैनियों के यहाँ जाना चाहता हूँ और नौकरी तुम्हारी मैं छोड़ रहा हूँ। तभी ग्रेसियानो मंच पे आता है और बसैनियो से कहता है कि चलो हमें बेलमंट चलना चाहिए, क्योंकि बसैनियो को अब पैसे का प्रबंध हो गया है। वो कहाँ जा रहा है, वो बेलमंट जा रहा है पोर्शिया को जीतने के लिए। चूंकि जो यहाँ ग्रेशियानो है वो एक वाइल्ड व्यक्ति है, एक असभ्य व्यक्ति है, तो पहले तो बसैनियो मना कर देता है कि मैं तुमको नहीं ले जा सकता। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा जिद करता है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, तो बसैनियो उससे कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम वहां कोई भी गलत काम नहीं करोगे, तुम अच्छा व्यवहार रखोगे, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करोगे, इस शर्त पे मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूं। फ्रेंड्स, कहानी आगे बढ़ती है। जेसिका ही दिखाई देती है, जेसिका दुखी है। दुखी क्यों है, क्योंकि उसका जो नौकर है लांसलॉट, वो साइलॉक के यहाँ से नौकरी छोड़ रहा है। एक्चुअल में जो लांसलॉट था फ्रेंड्स, ये क्या करता था, इन दोनों के बीच यानी जेसिका और लोरेंजो का जो अफेयर चल रहा था, इसमें वो बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता था। वो दोनों के जो लव लेटर्स हैं वो उनको इधर से उधर देने का काम करता था। अब जो वो चूंकि लोरेंजो से विवाह करना चाहती है, जेसिका चाहती है, लेकिन उसको ये भी पता है कि उसका जो फादर है शाइलॉक, वो एग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों के जो रिलीजन है वो डिफरेंट हैं। लेकिन जो जेसिका है वो इसके लिए क्रिश्चियन बनने को भी तैयार है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, लोरेंजो, ग्रेशियानो, सेलेनियो, सेरेलिनो सब मिलते हैं और लैंसलेट एक पत्र के साथ उपस्थित होता है। और जो पत्र क्या है, उस पत्र को जब वो देखते हैं तो हमें जेसिका की जो प्लानिंग है इलोपमेंट की, उसका पता लगता है। साइलॉक लैंसलेट से कहता है कि तुम मेरे यहां से नौकरी छोड़ रहे हो, ये तुम्हारा गलत डिसीजन होगा, तुम्हें बसैनियों के यहाँ आराम नहीं मिलेगा, मेरे यहाँ तो तुम बहुत मजे कर रहे थे। कहानी आगे बढ़ती है फ्रेंड्स। अब प्लानिंग क्या थी, प्लानिंग थी इलोपमेंट की, यानी जेसिका को कैसे भगाया जाए। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, एक यहाँ एक गाना बजाना करते हुए सारे कैरेक्टर्स आते हैं, और जिनमें स्पेशली है ग्रिशियानियो, सेलेनियो और सेलेरिनो, और लॉरेंजो भी इन्हीं के साथ होता है। और प्लानिंग के मुताबिक क्या होता है कि जो जेसिका है, जेसिका को कह दिया जाता है कि तुम एक पुरुष के कपड़े पहनकर बालकनी में देखती रहना, हम आएंगे और तुम हमारे साथ फिर चली जाना। अब इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो जेसिका थी वो पुरुष के कपड़े धारण करती है, घर से मदर के गहने चुराती है, और जो भी कैश रखा हुआ था उसको लेती है, और लेने के बाद वो लोरेंजो के साथ भाग जाती है। उधर कहानी में क्या होता है फ्रेंड्स, जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है, जो पहले पोर्शिया से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे अपना पति स्वीकार कर लो, अब वो आता है, और उसका जब नंबर आता है तो वो सबसे पहले तो यही कहता है कि पोर्शिया मेरे कलर पर मत जाना, ब्लैक कॉम्प्लेक्शन पर मत जाना, मैंने बहुत सारे युद्ध जीते हैं। वो अपनी बड़ाई करता रहता है और बताता है मैंने यहाँ जीता वहां जीता और मैं बड़ा बहादुर व्यक्ति हूँ, बहादुरी की प्रशंसा करता है। लेकिन जब कास्केट को चुनने का नंबर आता है, एक्चुअल में फ्रेंड्स वहां 3 कास्केट्स थे, वन गोल्ड कास्केट, अनदर सिल्वर कास्केट एंड लेड कास्केट, उन तीनों में से किसी एक के अंदर पोर्शिया का चित्र रखा हुआ था, तो जितने भी वहां स्यूटर्स थे उन सबको एक सही कास्केट का चूज करना था, एक बार में सही कास्केट चूज करना था। और अगर व्यक्ति सही कास्केट चूज करता तो पोर्शिया उसकी, लेकिन स्वयंवर की यह शर्त थी कि अगर आपने गलत कास्केट का चूज कर लिया और आपका जो सिलेक्शन है आपका वो रॉन्ग निकला, यानी पोर्शिया आपकी नहीं हुई, तो आपको पूरी उम्र जो है वो अनमैरिड रहना होगा। तो इसी स्वयंवर के अकॉर्डिंग जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है, जब वो उसे लगता है कि पोर्शिया जैसी जो विदुषी महिला है, जो सुंदर महिला है, उसका जो चित्र होगा वो ऑब्वियसली जो गोल्ड कास्केट है उसके अंदर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता।
जब वो गोल्ड कास्केट को खोलता है तो वहां निकलती है एक ह्यूमन स्कल, यानी एक मानव खोपड़ी निकलती है, और उस पर लिखा होता है कि जो व्यक्ति बाहरी तड़क भड़क और दिखावे का शिकार होते हैं वो धोखे में फंस जाते हैं, वो धोखे के शिकार। कहानी आगे बढ़ती है, अब क्या देखते हैं, सैलेरिनो और सैलेनियो के बीच वार्तालाप हो रहा है। जो सैलेनियो है वो बताता है कि जो जेसिका लोरेंजो के साथ भाग गई है, इस खबर को जब शाइलॉक को पता लगा तो शाइलॉक चिल्ला रहा था, पागलों की तरह सड़क पर चिल्ला रहा था। एक्चुअल में फ्रेंड शाइलॉक ऐसा करेक्टर था जिसको जेसिका के भागने का दुख कम, और जेसिका जो पैसा और ज्वेल्स ले गई थी अपनी माँ के, उनको ले जाने का जो दुख था वो ज्यादा हो रहा था। इतना ग्रीडी व्यक्ति यहाँ शाइलॉक दिखाया गया है। कहानी आगे बढ़ती है, अब स्वयंवर में दूसरा करेक्टर आता है, दूसरा स्यूटर आता है, और वो है प्रिंस ऑफ एरागॉन। उसको लगता है कि पोर्सिया का जो फोटो होगा वो एक जो सिल्वर कास्केट है यानी चांदी का जो कास्केट है उसके अंदर होगा, इसलिए वो उसको चूज कर लेता है। और जब वो उसको खोलता है तो उसमें से क्या निकलती है फ्रेंड्स, एक फूल्स हेड यानी एक मूर्ख की खोपड़ी निकलती है, जिस पर लिखा होता है कि वो व्यक्ति जो चुनाव करने से पहले, सिलेक्शन से पहले 3 टाइम्स नहीं सोचते वो मूर्ख की खोपड़ी पाने के हकदार। इसके बाद फ्रेंड्स एक खबर मिलती है, सेलेनियो बताता है कि एक जहाज है, कुछ जहाज जो इंग्लिश चैनल है उसमें डूब गए हैं, और ऐसा ना हो कि वो जो जहाज है वो एंटोनियो के हों। उधर साइलॉक आता है और कहता है कि अब एंटोनियो तो दिवाला हो गया है, अब उसके दिवालिया हो गया है, अब उसके पास कुछ नहीं बचा है, उसके सारे जहाज डूब गए हैं, अब जो मेरा बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग उसे क्या करना है, एक पौंड मांस अपने सीने से मुझे देना होगा। कहानी आगे बढ़ती है, कहानी में फ्रेंड्स एक्चुअल में जो स्वयंवर हो रहा था, दो स्यूटर्स पोर्सिया के थे, दोनों ही फ्लॉप हो गए, दोनों को पोर्सिया नहीं मिली। अब जो थर्ड स्यूटर था बसेनियो, बसेनियो आता है, और पोर्सिया बसेनियो से कहती है कि वो सही कास्केट का चुनाव करे। एक्चुअल में फ्रेंड्स कहीं पोर्सिया या बसेनियो की कोई पहली मुलाकात हो गई थी, और जो पोर्सिया है वो बसेनियो को पसंद करती थी। तो इवन जब वो स्वयंवर होता है तो पोर्सिया नरेसा से कहती है कि नरेसा जरा पता लगाओ कि बसेनियो भी स्वयंवर में आया है कि नहीं आया। और जब पोर्सिया को पता लगता है कि बसेनियो स्वयंवर में है तो बड़ी खुश होती है, वो चाहे तो अपनी अपना जो फोटो है, जो राइट कास्केट है, उसको बसेनियो को बता दे, लेकिन वो अपने फादर की जो प्रॉमिस थी उससे बंधी हुई थी, वो इस बात को रिवील नहीं कर पाती, लेकिन उसकी प्रार्थना है कि जो बसेनियो है वो सही कास्केट का चुनाव करे, क्योंकि अगर सही कास्केट चुनेगा तो पोर्सिया और बसेनियो की शादी हो जाएगी। फ्रेंड्स जो चुनाव था बसेनियो का वो सही था, बसेनियो लेड कास्केट को चुनता है, उससे पोर्सिया का फोटो निकलता है, बसेनियो की पोर्सिया हो जाती है। तभी एक करेक्टर था जो उसके साथ आया था और वो था ग्रेशियानो। तो ग्रेशियानो बसेनियो से कह रहा है कि भाई तुम तो शादी कर रहे हो, अब हमारे बारे में भी कुछ सोचो। तो वो कहता है कि जो नरेसा है यानी पोर्सिया की जो मेड है, सर्वेंट है, मैं इससे शादी करना चाहता। नरेसा मौन, जब नरेसा से पूछा जाता है इस बात को तो वो मौन हो जाती है, और मौन मीन्स सहमति हो जाती है। तब दोनों की यहाँ एंगेजमेंट हो जाती है। तभी एक करेक्टर आता है सालरिनो, और वो बसेनियो को एक पत्र देता है, उस पत्र में वर्णन होता है कि एंटोनियो धन न चुका पाने के कारण दुविधा में है, लेकिन पोर्सिया कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं जितनी भी हेल्प होगी मैं एंटोनियो की हेल्प पैसा देकर करूंगी। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि पोर्सिया, नरेशा, लोरेंजो और जेसिका मिलते हैं। पोर्सिया कहती है कि मैं अपने घर को मैं छोड़कर कुछ दिन के लिए जाना चाहती हूँ, और इसके लिए जो जेसिका लोरेंजो है उनको घर में सौंपती हूँ। उधर बाल्थजार है उसका सर्वेंट, उससे कहती है कि वो नाव तैयार रखे, और इधर उसकी जो मेड है यानी नरिसा, नरिसा को वो, चूंकि वो उसकी कॉन्फिडेंट ही है, उसकी विश्वास पात्र है, तो वो उसको विश्वास में लेती है और कहती है कि चलो पुरुष के वस्त्र पहनकर हम वेनिस के लिए निकल पड़ते हैं। और वेनिस के लिए निकल क्यों पड़ते हैं, एक्चुअल में जो कोर्ट सीन है इसके बाद जो परफॉर्म होना था, जब पता लगा कि हाँ कोर्ट सीन में
इस कोर्ट में ट्रायल होना है, और ट्रायल में क्या है, मुकदमा उस पे एंटोनियो पे चलाया जाएगा, तो किस तरह एंटोनियो को बचाया जाए, यहाँ पोर्शे अपना दिमाग लगाती है। और उसी में एक स्ट्रेटजी है, जब पता लगता है कि लॉयर कौन आ रहा है सुनवाई के लिए, तो पता लगता है कि वहां तो डॉक्टर बेलेरियो आ रहे हैं, पोर्शिया का वो कजिन था। तो पोर्शिया एक लेटर अपने कजिन को लिखती है बेलेरियो को, और उसमें वो बताती है कि मुझे जो है आप इस तरह नॉमिनेट कर दो, कह दो कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है, और उसकी जगह कि मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो डॉक्टर बेलेरियो एग्री हो जाता है, वो कुछ अपना सामान जो बुक्स वगैरह हैं वो पोर्शिया के पास भिजवा देता है, और इधर पोर्शिया प्लानिंग करके कोर्ट के लिए तैयार हो जाती है। और फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट सीन इस प्ले का कोर्ट सीन, जो एक्ट फोर्थ के सीन फर्स्ट में होता है, कोर्ट का सीन है, लगभग सारे करेक्टर्स वहां मौजूद है, ड्यूक भी मौजूद है, शाइलॉक से कहा जाता है कि वो एंटोनियो पर दया दिखाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी नरेसा आती है मंच पर, और वो एक लेटर लेके आती है, वो कहती है कि इस लेटर में जो है वो लिखा हुआ है कि जो डॉक्टर बेलेरियो है वो नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह एक दूसरा वकील आ रहा है, और वो दूसरा वकील कौन है, वो एक्चुअल में पोर्शिया खुद है, जो वकील के वेश में आती है, और आने के साथ कुछ बुक्स वगैरह हैं वो लेके अपना मुकदमे की पैरवी वो शुरू कर देती है। तभी फ्रेंड्स, जो शाइलॉक है, शाइलॉक को दया का महत्व बताया जाता है, पोर्शिया कहती है कि आपको दया दिखानी चाहिए, और जो एक हमारी बड़ी फेमस पोएम है मर्सी, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन ऑन अपॉन हेवन। तो फ्रेंड्स, ये जो पोयम है ये उसी का स्पीच है, पोर्शिया की स्पीच है, दया का महत्व बताती है। और दया का महत्व बताने के बाद वो शाइलॉक से ये भी कहती है कि एक डॉक्टर का भी प्रबंध यहाँ किया जाए, ताकि तुम एंटोनियो के सीने से अगर 1 पौंड मांस लेते हो तो जो ब्लीडिंग हो उस ब्लीडिंग से रोक के एंटोनियो की जान भी बचाई जा सके। लेकिन इस बात को भी पहले तो जब साइलॉक को बताया जाता है कि वो मर्सीफुल हो जाए, वो इस दावे को खारिज कर दे और पैसा ले ले, चाहे दुगना पैसा ले ले, 3 गुना पैसा ले ले, जितना चाहे उतना पैसा ले ले, लेकिन इस मैटर को खत्म कर दे। लेकिन जब शाइलॉक एग्री नहीं होता तो पोर्शिया कहती है कि ठीक है शाइलॉक, तुम ले लो, और 1 पौंड मांस काटने की मैं तुम्हें अनुमति देती हूं। जब शाइलॉक 1 पौंड मांस काटने के लिए जैसे ही एंटोनियो की बॉडी से आगे बढ़ता है, तभी पोर्शिया उसको रोक देती है और कहती है कि देखो, तुम मांस तो काट सकते हो, लेकिन एक बार में तुम्हें मांस काटना है, एक ही पौंड काटना है, लेकिन इस पूरे बॉन्ड में, इस पूरे एग्रीमेंट में कहीं ब्लड का जिक्र नहीं है। तो मांस काट लो, लेकिन ब्लड की एक भी बूंद ना गिरे, और अगर गिरे तो एक क्रिश्चियन ब्लड है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अब शाइलॉक दुखी है, शाइलॉक विड्रॉ कर देता है, दुखी है। दुखी क्यों है, वो जो चाह रहा था, उसका जो मोटिव था, उसमें वो पास नहीं हो पाया, वो वहां सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन तभी ड्यूक का ऑर्डर आ जाता है, ड्यूक कहते हैं कि वेनिस का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर मारना चाहता है तो उसकी इस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने का जो अधिकार है वो वेनिस को है, वेनिस राज्य को है। तो लिहाजा शाइलॉक की सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए, और उस संपत्ति से क्या होता है, आधी संपत्ति तो वेनिस राज्य को चली जाती है और आधी वो एंटोनियो की ओर चली जाती है। तो शाइलॉक की जो संपत्ति है, शाइलॉक दिवालिया हो चुका है, आधी संपत्ति वेनिस राज्य की हो गई, आधी एंटोनियो की हो गई। लेकिन उस संपत्ति को जो एंटोनियो के हिस्से में आती है, एंटोनियो लेने से मना कर देता है। तो लिहाजा वो उस संपत्ति को जो शाइलॉक की बेटी है जेसिका और लोरेंजो, उनको वो दे देता है। फ्रेंड्स, सभी कैरेक्टर्स यहाँ खुश हैं क्योंकि एंटोनियो की जान बचा दी। किसने बचा दी, एक बड़ी ही गुणवान लॉयर ने बचा दी। अब लॉयर को कुछ इनाम देने का नंबर आता है, तो क्या इनाम दे दिया जाता है, वो जो लॉयर है वो इनाम मांगता है, वो मांगता है बसेनियो की रिंग्स। अब चूंकि जो रिंग है बसेनियो के पास, वो एक प्रेम की प्रतीक है जो पोर्शिया से उसे मिली थी, वो देने से आनाकानी करता है, लेकिन बाद में वो एग्री हो जाता है क्योंकि अपने फ्रेंड की जान बचाने के लिए कोई भी इनाम हो वो उसके लिए छोटा है।
तो जो रिंग है वो गिफ्ट दे दी जाती है किसको, उस लॉयर को दे दी जाती है जो एक्चुअल में पोर्शिया थी। लेकिन उधर जो दूसरा करेक्टर है ग्रेशियानो, उसके पास भी एक रिंग है जो उसको नेदेसा की जो निशानी के रूप में मिली थी। तो वो यहाँ जो लॉयर के साथ क्लर्क है, यानी जो नरेसा पुरुष के भेष में है, तो वो जो रिंग है वो रिंग ग्रेशियानो से ले लेती है नरेसा। इस तरह दोनों की रिंग गिफ्ट में कहाँ दे दी जाती है, एक पोर्शिया के पास चली जाती है और दूसरी नरेसा के पास चली जाती है। अगला दृश्य बढ़ता है फ्रेंड्स, एक्चुअल में जो फिफ्थ एक्ट है, फिफ्थ एक्ट शुरू हो जाता है इसके बाद, और यहाँ एक झगड़ा दिखाई देता है। पोर्शिया बसेनियो से झगड़ती है, नेदिसा ग्रेचानियो से झगड़ती है, और दोनों ही कहती हैं कि तुम तो बड़े विवाह व्यक्ति हो, क्योंकि तुमने जो मैंने प्रेम का प्रतीक था मेरे, उसको ही तुमने गैर महिला को दे दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब वो दोनों ही अंगूठी प्रोड्यूस करती हैं, पोर्शिया और नरेशा, तब वो सीक्रेट खुल जाता है कि वो वास्तव में जो वकील और उसका क्लर्क था वो और कोई नहीं था बल्कि पोर्शिया और नरेशा ही थी। तभी खबर आती है कि जो एंटोनियो के जहाज हैं वो पोर्ट पर सुरक्षित आ गए। अब पोर्शिया बसेनियो से कहती है कि ये अंगूठी अब भविष्य में नहीं खोई जानी चाहिए। तभी ग्रेशियानियो भी प्रॉमिस करता है नरेसा से कि मैं इस अंगूठी को संभाल कर रखूंगा, और इसी प्रॉमिस के साथ जो प्ले है फ्रेंड्स वो खत्म हो जाता है। आई होप प्ले आपको अच्छा लगा, पसंद आया, और सारा प्ले आपको याद भी हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।